हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि रेलवे टिकट को कैसे कैंसिल करते हैं, तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो आप अपने जो भी सर्च इंजन यूज़ करते हैं उसको सर्च इंजन में जाइए और IRCTC में लॉग इन करिए। जाहिर सी बात है, आपने टिकट किया होगा अपने पर्सनल आईडी से, तो आप इसको ओपन करना जानते होंगे। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे करके आप इसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर आपका आईडी आएगा और पासवर्ड मांगने के लिए मांगेगा और उसमें जो भी कैप्चा मांगेगा। तो आप अपने कैप्चा को डाल दीजिए और साइन इन करिए। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आप देखिए ट्रेन का ऑप्शन है, जहाँ से आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं। वहीं पर अगर आप नीचे में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कैंसिल टिकट का ऑप्शन आएगा। इसमें आप ई टिकट और काउंटर टिकट, यानी कि आप दोनों ही टिकट को अपने आईडी से कैंसिल कर सकते हैं। यानी ई टिकट चूंकि हम लोग अपने अपना आईडी से घर बैठे टिकट लिए थे, और विशेषकर वैसे ही लेते हैं, अदरवाइज काउंटर से लेते हैं, तो ई टिकट को कैंसिल करने के लिए ई टिकट के ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी टिकट आपने बुकिंग किया था, सारा का डिटेल्स यहाँ पर आएगा, कैंसिल टिकट। तो जैसे कि आपको जो भी ट्रेन का टिकट को कैंसिल करना है या डेट वाइज आप देख लीजिए और उसको सिलेक्ट करिए। जैसे कि हमको अभी ये करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हटिया IPR एक्सप्रेस, इस टिकट को हमें कैंसिल करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा डिटेल बता देगा यहाँ पर कि कैसे कैसे टिकट करना है। ये सारे कंफर्म टिकट है। नीचे में आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में, यहाँ पर मैं माउस को घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप कैंसिल टिकट का एक ऑप्शन है, तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखिए सारा डिटेल्स आपके पास यहाँ पर है और इस नाम के पीछे यहाँ पर टिक करना होगा। जैसे कि आप मान लीजिए एक ही बार में आपने 6 टिकट खरीदा या 4-5 टिकट खरीदा, उस टिकट में से किसी पर्टिकुलर एक आध टिकट को कैंसिल करना है, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ किया, कंबाइन किया तो आपका सारा टिकट कैंसिल हो जाएगा, वैसा नहीं। आपको पर्टिकुलरली जो भी टिकट कैंसिल करना है वही टिकट कैंसिल होगा। जैसे कि मेरे को अभी ये तीनों टिकट कैंसिल करने हैं, तो मैंने तीनों को मैं तीनों नाम के पहले मैंने टिक किया और फिर क्लिक बटन कैंसिल टिकट यहाँ पर राइट साइड में मैंने दबा दिया। क्योंकि मुझे रांची से पटना जाना नहीं है, इसलिए मैंने ये टिकट कैंसिल कर दी। डू यू वांट टू प्रेस द कैंसिलेशन रिक्वेस्ट? यस। तो इस तरीके से दोस्तों, मेरा टिकट हो गया, तीनों टिकट कैंसिल। और कैंसिल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिफंड अमाउंट था वो 375, यानी 730 रुपीज़ जो है, सॉरी, इस टिकट का प्राइस था 750 रुपीज़ और रिफंड हो रहा है 375 रुपीज़। चार्ट अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है और उसमें हमारा जो कटा, आप माइनस कर लीजिए 750 में से 375 रुपया वापिस हुआ, यानी जो है 50% पूरा जो है मेरे को चार्ज ले लिया गया, कैंसलेशन चार्जेस 375। अब ये मुझे नहीं पता कि लोग किस वजह से 375 रुपीज चार्ज किए, जबकि 60 रुपये पर टिकट बस काटना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 50% जो है चार्ज काट लिए गए हैं और 375 रुपये हमें वापस मिलता है। इसका प्रिंट रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ से करके। तो इस तरीके से आपका टिकट हो जाता है कैंसिल और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि ट्रेन का टिकट हो गया है कैंसिल। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, राइट अ कमेंट, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नाउ।